सिंध के बलदियाती इलेक्शन के हवाले से मैं बात करता हूँ कि ये जो पहले मरहले में सिंध में जो बलदियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये बलदियाती इलेक्शन जब तक नतीजा खेज नहीं हो सकते जब तक बलदियाती इदारे खुदकार खुद मुख्तार और बाख्तियार ना हो, तो ये बेख्तियार इदारों के होने वाले इलेक्शन जो है वो कभी भी जो है एक आम आदमी की ज़िंदगी पे जो है बस अंदाज नहीं होंगे। इस मुल्क का अलमिया है, हमेशा ही बात करते रहे, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और तहरीक इंसाफ किसी जी मामले पर एक हो या ना हो, इस मामले में इनके अंदर जो है वो लाशुरी तौर पर ये इंसानियत पाई जाती है कि इस मुल्क के अंदर जो है बलदियाती इदारों को जो है मजबूत नहीं करना। तहरीक इंसाफ जो ठीक इतनी जमहूरियत की और आम आदमी की चैंपियन बनती है, इसने भी अपने दौर में इसके बुनियादी मंशूर में बात शामिल थी कि बाख्तियार बलदियाती इदारे होंगे, लेकिन इसने भी आने के बाद जो पहला हमला किया था वो पंजाब के बलदियाती इदारों पर किया था, और उसके दौर में भी जो है बलदियाती इदारे जो हैं वो पनप नहीं सके। अगर जिस दिन सियासी जमातों ने ये नुकता समझ लिया इस मुल्क के मसाइल का वाहिद हल इस मुल्क के ठीक बाख्तियार बलदियाती निज़ाम है, तो आप इस मुल्क के 70% मसाइल पर